15.9 आबंधन के आधार पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार। अब तक हमने तीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन देखे हैं। एल्कीनों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध और एल्काइन में त्रिबंध होता है। द्विबंधों तथा त्रिबंधों की संख्या एक से अधिक हो सकती है। इसके विपरीत एल्केन में सभी परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होते हैं, चाहे वह कार्बन कार्बन बंध हो अथवा कार्बन हाइड्रोजन। आबंध में इस अंतर के आधार पर भी हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण संभव है। बहुबंध, द्विबंध या त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इस तरह एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब तक जिन हाइड्रोकार्बन संरचनाओं को हमने देखा वे या तो सीधी अथवा शाखित श्रृंखला थी, पर यह भी संभव है कि कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर वलय बनाएं। ऐसे बने सबसे छोटे वलय में तीन कार्बन होते हैं, साइक्लोप्रोपेन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, साइक्लोब्यूटेन H2C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। इस अणु में प्रत्येक कार्बन दो अन्य कार्बन और दो हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा है। इसका आणविक सूत्र C3H6 है। क्या यह किसी एल्कीन का सूत्र भी है? चार कार्बन वाला वलय भी संभव है। इसका सूत्र C4H8 है। दोनों उदाहरणों में कार्बन के परमाणु वलय आकार में व्यवस्थित हैं। इनमें सभी परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n है। इन हाइड्रोकार्बन को चक्रीय साइक्लोएल्केन कहते हैं। C3H6 को साइक्लोप्रोपेन तथा C4H8 को साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। याद रहे, साइक्लोएल्केन और कुछ एल्कीन का सूत्र समान है, अतः नाम लिखने से पहले संरचना जानना आवश्यक है। इस प्रकार कई अन्य चक्रीय हाइड्रोकार्बन संभव हैं।